को रात पूरी जाग के छतों पे गुजारते हैं और ये सीढ़ियों के ज़रिए सीढ़ियाँ लगा के छतों पे चढ़ते हैं, वो छतों पे चढ़ के अंदर आते हैं। एक आदमी नेता है, एक इनके पास कलाजें बोलते हैं। कुछ ऐसे घर भी हैं कि जिनकी इज्जत भी ख़राब की गई, वो अपने शर्म से या अपनी इज्जत की वजह से बता नहीं देते। रिपीटर भी बरामद हो गए, पिस्टल भी बरामद हो गए, क्लाचमें भी बरामद हो गए, उस पर फायर भी किए। उसमें इसमें वाला कांस्टेबल है, वो अगर थोड़ा सा इधर नहीं होता तो किसी की छाती पार कर जाता। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ टीम में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, मंगोपुर के इलाके गुलशन तौहीद में पुलिस और डाकू के दरमियान दो तरफा फायरिंग की तबादले के बाद 5 मुल्ज़मान हलाक, जिनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और मुतअद्दिद असलाह बरामद हुआ। पुलिस की भारी नफरी सर्च ऑपरेशन के लिए इलाके में मौजूद थी। हम लोग रात पूरी जाग के छतों पे गुजारते हैं और ये सीढ़ियों के ज़रिए सीढ़ियाँ लगा के छतों पे चढ़ते हैं, वो छतों पे चढ़ के अंदर आते हैं। एक आदमी नेता है, एक इनके पास कलाजनकोफ हैं, इनके पास रिपीटर, इनके पास 9 MM पिस्टल, और फिर ये 5 नहीं है, ये 11 का टोला है। ये 11 का टोला है, ये आते हैं पूरी लेस हो के, 3-4 कलाजनकोफें होती हैं इनके पास, और ये फिर घर को पूरे को घेर के उसको लूटते हैं। लूटने के बाद फिर ये कुछ ऐसे घर भी हैं कि जिनकी इज्जतें भी ख़राब की गई, वो अपने शर्म से या अपनी इज्जत की वजह से बता नहीं रहे। इलाके मकीन ने डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला दी। पुलिस बर वक्त मौके पर पहुंची और मुल्ज़मान से अंधाधुंध फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। हम लोगों को लिए आदाब ये, एक तो ऊपर लोड शेडिंग होती है, फिर अंधेरा होता है, फिर बिजली नहीं होती, फिर दूसरा जो है हमें मच्छर दावत करते हैं, तीसरा ये मच्छर हैं जो क्लाशनों के साथ आते हैं। सही। तो आज ये जो काम इन्होंने किया है, ये इस इलाके की दुआओं के और इनकी मेहनत और काफियों के सिलसिले में हुआ है, वरना ये तो काफ़ी दिनों से ये काम शुरू है। यहाँ एक बेचारा वो खाली ये खड़ा है, तो इसके घर में वो जब घुसने लगे तो ये ऊपर से झांक के देखने लगा, तो उसने नीचे से इसको गाल दी कि मादर चोद कुत्ते के बच्चे नीचे हो जाओ, और नीचे से क्लाशन थी दिखी इसकी तरफ। अब ये क्या करता, अब इसने इधर उधर फ़ोन किए, फरमान को फ़ोन किया, ये पहुंचा, और इधर उधर जो फ़ोन किए 2-4 आदमी पहुँचे, उस वक़्त तक वो वहाँ से कूच करके इस तरफ को निकल गए, क्योंकि ये उनका रूट था। जिसके जवाब में पुलिस की मौसर कार्रवाई के दौरान 5 मुल्ज़मान हलाक हो गए। ये झूठ तो है नहीं, उनसे वो मवाद सब बरामद हो गया, रिपीटर भी बरामद हो गए, पिस्टल भी बरामद हो गए, क्लाशने भी बरामद हो गई, और इतने बड़े इतने जो रमाल में बांध के राउंड लेके गए हैं वो भी, और उन्होंने डायरेक्ट पुलिस पे फायर भी किए। इसमें एक चश्मे वाला कांस्टेबल है, पिस्टल स्पीकिंग है, वो उस पर उसने डायरेक्ट फायर मारा है, वो थोड़ा सा ऐसे हुआ जाके गोली लगी उस पर दीवार पे, अगर वो थोड़ा सा इधर नहीं होता तो उसकी सीधी छाती पार कर जाती। उन्होंने बाकायदा पुलिस मुकाबला किया है, लेकिन बहुत परेशान किया हुआ था इन्होंने। हर दूसरे दिन किसी न किसी घर में चोरी डाका लूटा मारी मारना धाड़ना लगाया हुआ था। अभी तमाम आवाम यहाँ पर बड़ी खुश है और बर्वक्त करवाई हुई, क्योंकि ये रात को 2 बजे यहाँ से आए और वापसी सुबह के टाइम जब यहाँ से जाने लगे, पूरा पुलिस ने पहले से विकटें लगाई हुई थी, इनको किसी ने बता दिया, फिर इन्होंने मुकाबला किया, फायर मारे, तो पुलिस ने बर्वक्त करवाई की। और इंशाल्लाह ये अलाक मुल्ज़मान की मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया।